अरे नहीं, अरे कौन गिफ्ट देगा, कौन गिफ्ट देगा तुम्हें? जो चितारे मरो बदिलो चितारे बेरने अभी। गुनगुन को यहाँ पे मस्त सा गिफ्ट मिलता होगा, गिफ्ट में क्या है दिखाना? रूम में हमारे सब लोग, पूरा हमारा परिवार। मैं तो आरती उतारू रे, मेरे पैसे लिए मेरे हाथ में कितनी सारी राखी है। 800 कमेंट्स का टारगेट इस ब्लॉग के नीचे अगर तुम लोगों ने पूरा कर दिया तो वो वाला ब्लॉग हम इसके अगले दिन ही अपलोड कर देंगे, जिसको बनाने में ना हमें 7-8 दिन से भी ज्यादा लग गया है। So, hey guys, what is up? Welcome back to the vlog. बड़े दिनों बाद आपको ये जो है ऐसी स्टार्टिंग सुनने को मिल रही होगी हमारे चैनल पे। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, मैं ना कुछ 5 दिनों से एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा था जब से हमने व्लॉगिंग बंद करी थी, और हमारा प्लान था कि सबसे पहले नंबर पे हम वाला व्लॉग डालेंगे, लेकिन कुछ दिक्कतों की वजह से अभी जो है वो वाला व्लॉग पूरा नहीं शूट हो पाया, उसका थोड़ा सा शूट करने को बचा हुआ है। मेरा प्लान था मैं पहले वो डालूंगा उसके बाद ये सारे व्लॉग डालूंगा, लेकिन रक्षाबंधन कल हो चुका था तो मैंने सोचा लाओ पहले इसी व्लॉग को डाल दूं, तो तभी ये रक्षाबंधन वाला व्लॉग आपको पहले देखने को मिल रहा है। और इसके बाद हम डालेंगे एक वो व्लॉग जिसको ना हम बहुत ही टाइम से तैयार कर रहे हैं, और अगर आप लोग इस व्लॉग के नीचे 800 कमेंट्स कर देते हैं ना तो वो वाला व्लॉग इसके अगले दिन ही अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो जल्दी से ये टारगेट पूरा कर दो, फिर अगले दिन आपके लिए वो वाला व्लॉग आ जाएगा जिसपे हम बहुत दिनों से लगे हुए हैं। बाकी तब तक आप ये रक्षाबंधन वाला व्लॉग एंजॉय करें। रक्षाबंधन के लिए सारे मिठाई के डिब्बे, एक्चुअली हम लोग यही वाले खाते हैं और देते हैं, बिकॉज यही सबसे अच्छे लगते हैं। मेरी फेवरेट मिठाई है ये हल्दीराम की सोन पापड़ी, तो अगर कोई देना मेरे को यही देना। तो मिठाई सारी ले ली और इतना भयंकर वाला जाम लगा हुआ है ना भाई, मैं 10 मिनट से ऐसे ही खड़ा हो रखा हूँ। कल रक्षाबंधन है तो सब लोग शॉपिंग वॉपिंग कर रहे हैं। गाइस फाइनली बैक होम 8:30 बजे। आपने इससे लास्ट वाले व्लॉग में देखा होगा, वो जब भी आया होगा कि हम ट्यूशन गए थे, ट्यूशन पे हमने व्लॉग एंड कर दिया था, उसके बाद ट्यूशन की छुट्टी हुई तो मिठाई उठाई के डिब्बे लेके आ रहे हैं। हम डिब्बे आधे आज ले और आधे कल मामा ले आए थे, तो टोटली फाइनली हो चुके हैं डिब्बे जितने हमारे काम में आएंगे, और राखी आके भाभी पहले ले आई थी। तो हम जैसे घर पहुंचे उसकी थोड़ी देर बाद ही आ गए थे छोटी भाभी के बड़े भैया राखी बंधवाने के लिए। छोटी भाभी से राखी बंधवाएंगे और हमारी बड़ी भाभी से राखी बंधवाएंगे। तो भाई अभी ना छोटी भाभी के भैया जी आए थे, तो उन्होंने अभी भाभी से राखी बंधवा लिया दोनों भाभियों से। अब जैसे कि मेन रक्षाबंधन कल ही है, कल ही ज़्यादातर लोग मनाएंगे, लेकिन कुछ लोग ना आज भी मना रहे हैं। एक्चुअली ये भैया तो बीआरओ में है तो इनको छुट्टी अभी मिली तो शायद ये आज ही आए, तभी सीधे यहीं पहले आ गए, पर मेन रक्षाबंधन जो है कल ही हम लोग भी मनाएंगे। बाकी यार दाढ़ी चेक करें आप, और आज सावन का आखिरी दिन है, तो कल तनिष्क भैया आपके बाल और दाढ़ी कटाएंगे 2 महीने बाद। बज रहा है रात का 10:30 और थोड़ा सा प्लान में चेंज है। एक्चुअली मैंने आपको बताया ना कि बुआ वो आएंगे, तो हमारी एक बुआ जो थी वो आज ही आ गई थी, और ऐसा है रक्षाबंधन का कि अभी कुछ थोड़ी देर पहले मुहूर्त चालू हुआ है, एंड कल सुबह के जो है सिर्फ और सिर्फ 7:30 बजे तक मुहूर्त रहेगा, तो बुआ ना कल सुबह निकल जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि अभी आके बंधवा लो, बुआ है एंड बुआ की लड़की यानी कि हमारी एक परी दीदी है, जैसे कि हमारी गुनगुन भाई है वैसे हमारी परी दीदी भी है, तो अभी हम आपको उनसे मिलाएंगे। तो हम चल रहे हैं जल्दी से परी दीदी से राखी बंधवाने के लिए। फिलहाल हम राखी बंधवा के आ जाएंगे, और उसके बाद कल एक और बुआ आएंगी, वो थोड़ा सा लेट में आ पाएंगी बिकॉज वो शाहजहांपुर से आएंगी, ये भी शाहजहांपुर की है बट वो कल ही आएंगी, तो उनसे दोपहर में बंधवाएंगे, उनसे आपको कल मिलाएंगे, पर फिलहाल अभी बंधवा के आते हैं जल्दी से यार। तो भाई फाइनली घर हम पहुंचने वाले हैं, और हमने ना एक कैडबरी सेलिब्रेशन का डिब्बा भी ले लिया छोटा वाला, बिकॉज छोटा ही वाला मिला, बड़े वाले कहीं मिल ही नहीं रहते तो यही ले लिया। कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा, गुनगुन कितनी है वो भी सह लेंगे, थोड़ा छोटा ही वाला मिला यार, रात में सब दुकानें बंद हो चुकी हैं। फाइनली हम घर पहुँच चुके हैं और घर के दरवाजे पूरे खुले हुए हैं, चलो चलते हैं। नहीं जरा बॉडी शरीर पे ध्यान, बॉडी बना रहे हैं, डाइट बढ़ाई है, ब्लॉग 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 के साथ शरीर पे भी ध्यान दिया जाता है। अब तो बंद कर दिया, बंद किया मगर शरीर पे ध्यान दो अपना। आप पर री दीदी बांधेंगे, बस फाइनली
फाइनली राखी डन, 11 बजने जा रहा है, अब चलो घर चलते हैं। बाकी एक बुआ कल आएंगी तो हम कल फिर से आएंगे, और शायद कल बुआ रहे बिकॉज इन्हें लग रहा है कि कल निकल नहीं पाएंगे बिकॉज भीड़ बहुत ज्यादा होती है। मैं ना भाई घर जा रहा था, मैंने ना एक चीज देखी, मैंने सोचा आपको भी दिखाऊं। यहां पे देखो भाई मोमोज वाले ठेले लगा रखे हैं और आगे कई सारे लोगों ने मोमोज वाले ठेले लगा रखे हैं 11 बजे, उनके पास भाई इनका पूरा का पूरा आइटम बचा हुआ है, तो अब ये ना आपको कल खिलाएंगे। तो ऐसी जगहों पर अवॉइड करें, खासकर जो मैं आपको ठेले दिखा रहा हूँ ना, मैंने रात में और भी कई बार निकला हूँ तो इनके पास बहुत सारा माल बचा रहता है और ये अगले दिन ही आपको खिलाते हैं। इसीलिए गाइस सेफ रहें, ये सब चीज़ें ना खाएं रात की रखी हुई, क्या पता ये कल का रखा हुआ हो रात का और कल फिर से दिया जाए। सो हे गाइस, व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू द व्लॉग, टुडे इज नेक्स्ट डे एंड आज है रक्षाबंधन। हम तो थोड़ा लेट में उठे हैं 8 बजे, घर में बहुत सारे लोग, राखिया की बन चुकी है, बहुत सारे लोग आ रहे थे। बाकी फिलहाल अभी जो है घर में मम्मी जो है बांधने जा रही, फिर गुनगुन भी बांधेगी, हमने अभी तक नहाया नहीं है। येलो पेपर, लो पेपर आ गया, अपना पेपर भी आ गया, अमर उजाला दैनिक जागरण आता है अपने। और जरा ये चेक करें, मस्त सा गिफ्ट मिलता हुआ, नया नया सूट तो मामा के यहाँ बन चुकी है। अब बारी है बस वाले की, बस वाले गाइस चेक करें, क्या चेक करें, क्या चक्कर आना है आपको? अभी चेक कराते हैं। धन्यवाद, आप लोग फुटेज खाते हुए दिख रहे होंगे लोग हमारे व्लॉग में। ये जो पूरा हमारा डिब्बा है था, पूरा का पूरा भाभी ने खाली कर दिया, देख सकती हैं सिर्फ 2 बचे हुए हैं। रात में आती थी उठा के खा लेती थी, रात में आती थी उठा के खा लेती थी, बस कितने 2-3 बचे। भाई साहब भाभी जी ओपी इन द कमेंट सेक्शन। सारे भैयाओं को तो राखी बांधी है, फिलहाल बांधी जा रही है भाभियों के, इनके बच्चों के, इनके बंदर के। और मेरी ना गुनगुन के साथ एक डील हुई थी, ये डील हुई थी कि रक्षाबंधन में गुनगुन को जितने भी रुपए मिलेंगे ना, उन रुपए से ये मेरे लिए शूज खरीदेगी मेरे बर्थडे पे। तो देखते हैं गुनगुन दीदी खरीदेंगी या नहीं खरीदेंगी एक अच्छा सा शूज मेरे लिए। क्या कर रहे हैं आप गाइस, चेक करें। अरे यार नीचे कुछ नहीं पहन रखे, वही चेक करा रहे हैं। मैं तो आरती उतारू रे संतोषी माता की। ये लो एक डे भाई, एक्चुअली सुन लो सागर दादा के लिए, बिकॉज सागर दादा है नहीं तो छोटी भाभी को ही सागर दादा का मिल गया, ग्रेट सक्सेस। तो यार घर में तो सबके हो चुका है राखी और उष्णा, मेरे नहीं हुआ बिकॉज मैंने अभी नहाया नहीं। मैंने सोचा था मैं बाल कटा लूंगा जाके आज, बिकॉज आज सावन समाप्त हो गया है, बट अभी मैंने बात करी अपने बार्बर से जो बाल काटता है, तो आज दुकान बंद है तभी वहाँ नहीं जा पाएंगे। बाकी फिलहाल अब बाल तो कल ही कटाएंगे, सावन समाप्त हो गया, इतने जंगली लग रहे हैं, 2 महीने बाद कटेंगे बाल फाइनली। और कितने रुपये मिल गया तुम्हें टोटली? टोटली 200। हाँ बांधी भी नहीं किसी को, तो जैसे इसके पास होंगे 700-800 रुपये तो ये क्या देगी मुझे, क्या लोगी मुझे? वो शूज लेने हैं तो लेने हैं, एक शूज मेरे को पसंद आए, देखते हैं गुन्नू दीदी दिला पाएंगी मेरे बर्थडे पे, नहीं दिला पाएंगी। बर्थडे भी आने वाला है, 18 तारीख को है बर्थडे। क्या है, क्या गिफ्ट? रुपए नहीं है, सॉरी तुम जानती हो कोई कभी रुपए। अब तो डेली व्लॉगिंग भी बंद कर दी, वो क्या बोलते हैं अर्निंग भी कतई कम हो गई, बिल्कुल गायब हो गई। तो पहले करते थे तो क्या मतलब, खत्म, सब रुपए खत्म। तो यार मैं जस्ट अभी नहा के आया हूँ और मैंने एक ऐसी चीज देखी कमरे से निकलते कि दिल खुश हो गया। ये चेक करें यार, तिरंगा ही तिरंगा, एक तिरंगा, 2 तिरंगा, 3 तिरंगा, 4 तिरंगा, 5 तिरंगा, मतलब हर घर में तिरंगा भाई। सच में ये कैंपेन तगड़ा चला है, हर घर तिरंगा। और हरदोई में ना काफी सारे पार्क्स भी हैं जहाँ पे बिल्कुल जो है लाइटनिंग एक्टिंग कर दी गई है तिरंगे वाली कलर की, तो पार्क्स भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, तो वहाँ भी चलेंगे। पर सबसे पहले हम नहा चुके हैं, कपड़े वपड़े पहनते हैं, रुचना रुचना कराते हैं खुद के यार। फाइनली तैयार हो चुके हैं, और आपको याद होगा ये कुर्ता मिल गया था कुछ दिनों पहले, तो हम रक्षाबंधन में पहनेंगे, तो आज ये पहने रखा है कुर्ता एंड व्हाइट कलर की पैंट है, तो मस्त बिल्कुल ट्रेडिशनल लुक लग रहा है। फिलहाल हम गुनगुन दीदी से जो है रुचना और राखी बनवाते हैं, फिर मम्मी को लेकर जाना है वेडिंग, वहाँ पे मम्मी जो है वहाँ मामा वहाँ के बांधेंगी, तो पहले सबसे पहले गुनगुन से बनवा लेते हैं यार। और हाँ पहले बता दे रहे देंगे कुछ नहीं, ये 10 रुपए की नोट है यही ले लेना, ज्यादा रुपए नहीं है गाइस। अरे तुम लोग में, अरे है दे दिए, अरे नहीं, अरे नहीं, अरे कौन गिफ्ट देगा, कौन गिफ्ट देगा तुम्हें? भाभी कह रही थी, भाभी हमसे कह रही थी कि लाओ रुपए लाओ दे देने के, लेकिन ये कह रही गिफ्ट देंगे, कौन गिफ्ट देगा भैया, रुपए नहीं है मेरे पास, गिफ्ट देंगे उम्मीद लगाए बैठी। तो गुनगुन दीदी मेरे लिए ये वाली राखी लेके आई है जिसपे लिखा हुआ है बड़ा भाई, वाह, एक ही दिन इज्जत मिलती है गाइस, एक ही दिन। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करो
खाली जो चितारे मरो बदिलो चितारे बेरने आवे चुकी आरती करे भैया की ले जो चितारे ये ये बंदे ये बार में कुछ दिया नहीं इतने ले रहे हैं इतने ये क्या हाय बेटा फाइनली हमारे तो राखी बन चुकी है और अब आ गए हैं हमारे विक्की दादा। तो गुनगुन दीदी विक्की दादा को राखी बांध रही हैं। बांध दी तुम गांठी बांधना सीख गए? हाँ गाइस, और ये गांठी बांधना सीख गई इसने मेरे भी आज, मतलब कि राखी खुद बांधी। वैसे तो मम्मी बनवाती थी बट अब ये गांठी बांधना सीख गई गाइस, ग्रेट सक्सेस। अरे पूरी खा लो दादा, अरे अरे खा लो दादा, अरे 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 मैं तो आरती उतारू रे। आज भैया गुनगुन से अमीर कोई नहीं, गुनगुन जमीर कोई नहीं भाई। 500 की धड़कती धड़कती नोट मिल रही है, जिससे भी मिल रही है भाई साहब। तो भाई फाइनली हम जा रहे हैं व्हाइटगंज पुरानी वाली बाइक लेके, और नई वाली बाइक पे लोड किया जा रहा है सामान, बिकॉज ये जा रही है मौसी के यहाँ धौरारा, जो कि यहाँ से वही ऑलमोस्टली 150 किलोमीटर से ज्यादा पड़ेगा। तो मामा 3-4 दिन में आएंगे, मामी और मामा जा रहे हैं। तो जब ये वहाँ से आ जाएगी तो इसके बाद में सर्विसिंग भी करा देंगे, बिकॉज इसकी सर्विसिंग भी होनी थी। तो वहाँ से वो आएगी लंबी ट्रिप से, तो बढ़िया सर्विसिंग भी जाएगा। और ये चेक करें, किचन गार्डन में दो लोग हैं, लेकिन अभी उन पर ऐसा नहीं खेल सकते बिकॉज मेरी व्हाइट जींस है। एनी स्टे अभी नहीं खेल सकता मैं, तुम्हारे साथ गंदी हो जाएगी। और ये तो भाई कूदने लगेगा मेरे ऊपर, इससे तभी दूर ही रहता हूँ मैं। बल्ले बल्ले 5-6 दिन तक अब हमारी सवारी ये होगी गाइस। तो फाइनली भैया मम्मी जी को लेके व्हाइटगंज पहुँच चुके हैं। पहले यहाँ राखी बंधवाती हैं मम्मी, मतलब बांधेंगी मम्मी मामा के। जरा इधर चेक करें, अद्दू भैया जो है यहाँ पे ना जाने क्या ही कर रहे हैं स्मार्ट वॉच में। और बताइए कैसे हैं आप? वॉच टूट नहीं गई है, इसकी स्ट्रैप निकल गई है ब्रो। तुम सबको पागल नहीं बना सकते, हम लोगों के पास स्मार्ट वॉच है ब्रो। और ब्रो बताओ, लास्ट व्लॉग में तुम आए थे, उसके बाद फिर से व्लॉग में आओगे 3-4 दिन बाद, जब भी व्लॉग आएगा तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लगेगा, मजा आप लोगों ने लाइक किए थे या नहीं? हाँ करे थे, सबने लाइक करे थे। राखिया की बंद गई, अब चलो चलते हैं, देखते हैं हमें शायद अपने घर भी जाना होगा, बुआ भी आ गई होंगी हमारी। जस्ट अभी हम घर पहुंचे ही थे कि अब हम जा रहे हैं अपनी ताई की लड़की के यहाँ, यानी कि निशु दीदी के यहाँ। जब अभी कुछ दिनों पहले गए थे जहाँ पे बेबी का बेबी शावर था ना उनका, तो वहीं फिर से जा रहे हैं। आज राखी दिन भर बनती रहेंगी, बहुत राखी बनती है हमारे भाई। और हाँ, जो भी बच्चे व्लॉग देख रहे हैं मेरे स्कूल के, राखी बांधना चाहना तो बांध लेना, कोई दिक्कत नहीं, हम तैयार हैं। क्योंकि बहुत सारे जूनियर बच्चे भी देखते हैं, छोटी छोटी लड़कियां देखते हैं, भैया भैया बुलाते, तो शायद बांधनी हो। तो अगर व्लॉग देख रहे हो बांधना, स्कूल में आगे कभी भी बांध देना, ठीक है? पहुंच गए भाई दीदी, चलो दीदी बंधवाते हैं तो फाइनली भैया अभी हम घर पहुंचे हैं, और अब हम लेके जा रहे हैं गुनगुन दीदी को घर, क्योंकि गुनगुन दीदी बांधेंगी बादल आदल दादा के राखी, और हमारी एक और बुआ थी वो भी आ चुकी हैं, तो हम दीदी से राखी बंधवाएंगे। तो चलो भैया चलते हैं पुरानी वाली फटपटिया पे, मजा आ रही है इस गाड़ी को चलाने में यार। तो बस अभी हम घर आए थे, लेकिन घर पे ना अभी बुआ जी नहीं आई हुई है, तब तक हम ईशु दादा के पास जाके बंधवा लेते, जिनके यहाँ दीदी के यहाँ कहते हैं उनके भैया का। ये चेक करें हमारी गली में इतने ज्यादा कुत्तों की गैंग, ये दो कुत्ते और साथ में भाई साहब आ गए, ये चेक करें कितने सारे पपीज हो गए, मतलब कितने सारे कुत्ते हो गए, पपीज तो कहीं से नहीं आया यार। तो यार फाइनली पहुंच चुके हैं ताई जी के यहाँ, और गुनगुन दीदी इस समय भैया के जो है राखी बांध रही, बांध नहीं पाती अभी भी ढंग से गांठ। बांध नहीं पाएगी ताई, आप बंधवा दो भाई साहब। मेरे को लगा अभी बांधना सीख गई है, बट अभी भी इसको गांठ बांधनी नहीं आती। ताई जी कोई बंधवानी पड़ेगी साथ में। गुनगुन को यहाँ पे मस्त सा गिफ्ट मिलता है, वो गिफ्ट में क्या है दिखाना? वॉच मिली है भाई साहब। और पता है मैंने आपसे बोला था ना कि इसकी वॉच बंद है, और भाई आज भी ये बंद वॉच पहन के आ गई, इसे इतना शौक है, इसने अब तक सेल नहीं डलवाया। तो भैया ने वॉच ही गिफ्ट दे दी, बढ़िया चलो वॉच पहना करेगी, ग्रेट सक्सेस। तो वहाँ भैया से राखी बंधवाने के बाद आ गए थे हम लोग घर, और हमारे घर में बुआ दीदी भैया सब लोग आ गए थे, तो हम लोगों ने घर में भी राखी बंधवाई, लेकिन उस समय व्लॉग नहीं शूट किया वहाँ पे ना, हम लोगों ने कुछ फोटोज खींची थी, तो आप फोटोज देख सकते हैं। मेरा तो बन चुकी है, अब जो है गुनगुन दीदी बांधने जा रही है बाल दादा के। और इस समय रूम में हमारे सब लोग, पूरा हमारा परिवार, सारी बुआ दीदी भैया सब लोग, बस बड़ी वाली बुआ नहीं है अभी यहाँ पे।
आँख मारे आँख मारे ओ लड़की आँख मारे आँख मारे ओ लड़की आँख मारे घर से तो हम आ चुके हैं और अभी हम आए हैं अपनी एक और दीदी के यहाँ जिनका नाम है छवि दीदी। आपने इनको बहुत पहले व्लॉग में देखा होगा इनके बर्थडे पे। मैंने आपको बता रखा है ना कि मेरे कुछ ही फ्रेंड हैं, तो उनमें से ये एक फ्रेंड है, चार फ्रेंडों में से ये एक है। कुछ क्या मिठाई खिलाओ आपसे, कुछ ना कुछ भी खिलाइए। यही मेरी फेवरेट है। पूरी खाओ। अरे दबा है यार, देना ना पूरी खाने की जो खाओ बोलो वो जब वो छुट्टी है। नहीं खाली हाथ से, हाथ से देना, हाथ से। गाइस देखिए मैंने दे रहा हूँ, बाद में ये ऐसा कुछ ना बोले कि मैंने नहीं दिया। ठीक है ये मजा कुछ रहा। गाइस ये मेरे पैसे लिए थे परसों। क्या बस बज रहा है 5 एंड फाइनली अब घर पहुंच चुके हैं सब लोगों से राखी बंधवा के। वैसे अभी एक दो बहनें हमारी और बची हुई हैं जो कि हमारे अब स्कूल में आ गई, तो वो हमारे स्कूल में ही बांध देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी यार मेरे को ना अभी शूट में जाना है बहुत ही ज़रूरी, जो कि हमें लग रहा है बहुत ही मुश्किल, बिकॉज 5 बज चुका है, फ़ोन में बैटरी बिल्कुल है नहीं। तभी एक्चुअली मैं घर से आ गया, वरना घर में दीदी दीदी उन्हीं के साथ बैठता। तो देखो फोन चार्ज करते हैं और फिर मेरे को शूट के लिए निकलना है। देखो वो हो पाएगा नहीं हो पाएगा कुछ नहीं पता। तो भैया वहाँ से आने के बाद मैं 20 मिनट तक आराम से एसी में लेटा रहा, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी सुबह से। बाकी शूट के लिए जाना था, शूट के लिए तब जा नहीं पाएंगे बिकॉज लाइट जो है वैसी नहीं रही जैसी मेरे को चाहिए थी। तो अब वो शूट हमें कल सुबह करना होगा 7 बजे तरफ या शाम को 4 बजे तरफ करेंगे, अब बाकी देखते हैं। और ज़रा आप ये चेक करें, आप ये कि मेरे हाथ में कितनी सारी राखी हैं। चलो टोटली गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मेरे हाथों में है टोटली की टोटली 9 राखी। और आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपके हाथों में कितनी सारी राखी बांधी है, तो ज़रूर बताना कमेंट करके। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, और 800 कमेंट्स का टारगेट इस ब्लॉग के नीचे अगर तुम लोगों ने पूरा कर दिया तो वो वाला ब्लॉग हम इसके अगले दिन ही अपलोड कर देंगे, जिसको बनाने में ना हमें 7-8 दिन से भी ज़्यादा लग गया है। तो जल्दी से 800 कमेंट का टारगेट इस ब्लॉग के नीचे पूरा कर देना। मेक श्योर मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, वहाँ पर जो कुछ भी करते हैं हर चीज़ का अपडेट सबसे पहले मिलता है। बाकी फिलहाल करते हैं इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कर दें, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे आपसे जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय।